الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم وبارك عليه قول بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم وبارك خدا کی قسم جس طرح قرآن مجید کے حروف مقطعات نہ ان کا انکار کیا جا سکتا ہے نہ سمجھ میں آتے ہیں اس کائنات میں علی کی شخصیت ایسی ہی ہے خدا کی قسم امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المحجلین قاتل المشرکین بآواز بلند صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد ولی المؤمنین حجة الله في العالمين علی کی وہ شخصیت ہے کہ نہ اس کی توصیف ممکن ہے نہ انکار تفسیر ممکن نہیں ہے اسم مبارک ہے علی اس نام کا ترجمہ ممکن نہیں ہے ترجمہ تو تب کیا جائے نا جب پیمانہ کوئی مقابل میں موجود ہو علی یعنی بلند ہم زمان و مکان میں محدود عقلیں رکھنے والے ہم کیا ہمارے ذہنوں میں بلندیوں کا تصور کیا بستی میں رہنے والے کہیں علی کی بلندی کا اندازہ کر سکتے ہیں ممکن نہیں یہ کائنات اپنی تمام تر گہرائی پہنائی اور بلندیوں کے ساتھ ایک بستی سے زیادہ کچھ نہیں ہے نشیب عرصہ ہستی بس ایک پستی ہے علی کی ذات گرامی وہ ہے کہ اگر اس ذات گرامی نے اس کرۂ ارضی کو اپنے قدوم میمنت سے شرف نہ بخشا ہوتا تو یہ کائنات میں ایک سیارے کے طور پہ گرے جانے کے لائق نہ ہوتی اللہ
समझते ये सब मुबालिग है, लोग समझते ये सब मुबालिग है। अगर इंसान अक्ल कुरानी रखता हो, अक्ल कुरानी, अगर ये इंसान मारिफत विजदानी रखता हो और इसकी अक्ल और इसके विजदान ने तरबियत और तग़ज़िया पाया हो मकतब गदीर में, मकतब विलायत में, मकतब मुस्तफ़ा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग समझते हैं कि ये सब मुबालिगा है। अगर मकतब मुस्तफ़ा में अक्ल परवान चढ़ी हो तो आदमी सोच सकता है, समझ सकता है बस इतना कि अगर आगोश मुस्तफ़ा में कोई परवान चढ़ा होगा तो कितना बुलंद होगा। इस एक हकीकत का कोई इनकार कर सकता है? करीब आके बैठ जाने वाले जितना भी सर उठाएं, हुजूर के रहवार की उड़ाई हुई गर्द जिन पे जम गई वो चमकते हुए सितारे बन गए। तो रसूल ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तमन्ना की हो, जिसका खुद इस्तकबाल किया हो अरसे हस्ती में, जिसे अपनी जबान चुसाई हो, जिसे खुद नहलाया हो, धुलाया हो, कपड़े पहनाए हो और बचपन से अपने कंधों पे बिठाया हो, और ये सिलसिला सिर्फ बचपन तक महदूद न रह गया बल्कि फतह मक्का तक, फतह मक्का, वो फतह जिसका कसीदा कुदरत ने कुरान मजीद में सूरह फतह की शक्ल में नाज़िल किया, उस फतह मक्का के मौके पर, यानी बचपन में कंधे पे बिठाना तो आसान बात है, आम बात है, लेकिन फतह मक्का के मौके पर अली को उठाना, अब ये रिवायत सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है और लोगों के यहाँ भी है, बस और लोगों कह के और कुछ नहीं कह सकता, और लोगों के यहाँ भी। जब हुजूर फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हुए और खाने काबा के पास पहुंचे, आपके हाथ में एक छड़ी थी, जो बुत थे आप गोया के इशारा करते जाते थे और वो बुत मुंह के भल गिरते ये अल्फाज हैं तारीख के, ये अल्फाज हैं रिवायत के, गौर करना। हम लोगों में सकत नहीं है कि हम तारीख अहले बैत की तफसीर देख सकें। खाने काबा में अगर कोई दाखिल हो तो ज़ाहिर बुत जो सजा रखे थे मुशरिकीन ने, तो बुतों के चेहरे सामने होंगे, बुतों की पूछ तो दीवार की तरफ होगी। हुजूर ने दीवार की तरफ जाके तो छड़ी से उन्हें गिराया नहीं, छड़ी उठाई, इशारा किया और वो मुंह के बल गिर गए। खुद ये अमल मुअज्जज़ा है, हैदरी, हैदरी,
दरबारे बाबा किसका मौजदा हक का मौजदा कही मुस्तफा का मौजदा कही इशारा करते जा रहे हैं मुंह के बल करते एक रिवायत यह है कि वहां पर खाने काबा के अंदर जनाब नबी खुदा खलील खुदा की तस्वीर भी बनी हुई थी तो आपने उस तस्वीर को अपनी रिदाए मुबारक से माहो फरमा दिया ताकि वो तस्वीर वहां न बनी रहे अपनी रिदा से और किसी में ये ताकत नहीं थी कि खलील खुदा की तस्वीर को वहां से हटा सके या मिटा सके। और जब तमाम बुत खत्म हो गए तो जो खाने काबा की छत पे बुत थे उनको गिराने के लिए आपने किसी और का इंतखाब नहीं किया उसी का इंतखाब किया जिसके बाबा के घर में कभी बुत नहीं था ये भी तारीख का मौजदा है ये भी तारीख का मौजदा है ये भी तारीख का मौजदा है। मक्के के मुशरिकीन इस कदर जसूर थे काफिर और मुशरिक के अपने घरों में तो रखते ही थे बुत अल्लाह के घर में भी बुत रख दिए थे इससे ज्यादा बड़ी जसारत तो नहीं हो सकती याद रखिएगा। और ऐसे माहौल में अगर कोई घर बचा हो जिसमें बुत न रखा गया हो उस घर की कैसी फजीलत होगी और उस घर के मालिक की शुजाअत ईमानी कितनी बड़ी होगी। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंदर सलावत ईमानी शुजाअत ईमानी शजाअत। इसीलिए अब ये तो कई बरस पहले मैंने एक जुमला कहा था आज अर्ज कर दूं ताकि दोनों अनवार की विलादत का जिक्र हो जाए। लोग बेचारे यतीमुलकल लोग जौफे काबा में अली की विलादत पर हैरान है और समझते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा में अली के लिए बड़ा शरफ है। अली अली है अली अली जिस जगह पैदा हो जाते शायद वही जगह क़िबला आलम बन जाते। अली 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 जिस जगह पैदा हो जाते ना वही जगह क़िबला आलम व आदम बन जाती। इसलिए कि अली नफ्स रसूल है हज़रत इमाम रज़ा अलैहि सलातु वस्सलाम से एक मौके पे पूछा भरे दरबार में पूछने वाले ने कि बताइए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की सबसे बड़ी फजीलत क्या है आपकी नज़र में। ज़ाहिर है ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी फजीलतें इतनी हैं और एक से बढ़कर एक कि किसी फजीलत के लिए ठहर के ये कहना कि ये सबसे बड़ी फजीलत है यही मुश्किल है। अभी मैं अर्ज करूंगा बिरादर मुअज़्ज़म जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा मौलाना ज़ुल्क़द्र रज़वी साहब तशरीफ़ फरमाएं
आज ही इन्होंने एक रिवायत दिन में सुनाई थी, वो भी मैं आपसे इसके सामने अर्ज कर दूंगा। ये तय करना कि सबसे बड़ी फजीलत कौन सी, बहुत मुश्किल है। एक के बाद एक फजीलतें सामने आती हैं। तो जब इमाम से पूछा गया तो उस मौके पर मौके की मुनासिबत से आपने आयत मुबाहिला का हवाला दिया, कहा अली की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि वो नफ्से रसूल है, अनफुसना व अनफुसना, अली नफ्से रसूल है बनफ्से कुरान। आम मुसलमानों के लिए हर्फ आफिर है, अली नफ्से रसूल है। तो अली तो काबे में पैदा हुए, रसूल कहाँ पैदा हुए? रसूल तो यकीनन काबे में नहीं पैदा हुए। तो क्या रसूल का रुतबा कम हो गया? रसूल अफजल है या काबा? आपले मुस्लिम क्या कहती है? आपले मुस्लिम क्या कहती है? आपले खाकी क्या कहती है? आपले खाती क्या कहती है? आपले अय्यारे बशर क्या कहती है? काबा अफजल है या मुस्तफा? वो चीज कैसे अफजल हो सकती है कि जो खुद लजिस रही हो और किसी ने उसे पाक किया हो? मगर क्या मोहम्मद मुस्तफा ने बुतों से काबे को पाक नहीं किया? और बुतों से बढ़कर कौन सा रिज्स हो सकता है? जो चीज पाक की जाए वो अफजल है या जो पाक करे वो अफजल है? आपले मुस्लिम क्या कहती है? ठहर के यहां एक हवाला देता चलूं। खाने काबा की अपनी मंजिलत है, जितनी है पत्थर की इमारत को, पत्थर की इमारत को, उस इमारत को जिसे इब्राहिम ने बनाया हो, उस इमारत को जिसे इस्माइल ने बनाया हो, उस इमारत को जिसे अल्लाह के बंदों ने बनाया हो, उस इमारत के बराबर किया जा सकता है जिसे अल्लाह ने खुद बनाया हो? सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। काबे की अपनी मंजिल है, मगर मुस्तफा और काबा कोई मुकाबला है? मुतअद्दिद किताबें हैं, इस वक्त मुझे याद आ रहा है हवाला सीरत हलबिया का, एक मशहूर सीरत की किताब है, उसमें सराहत के साथ ये मौजूद है कि जिस जगह हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिसमें मुबारक दफन है, वो मकाम वो जगह काबे से अफजल है। यानी मदीना अफजल है या मक्का? बाद मुसलमान हमें ऐसे मिलते हैं, बेचारे मुसलमान हजारों मील सफर करके मक्के जाते हैं, उमरा करके वापस आ जाते हैं, मदीने नहीं जाते। तो मदीने क्या जाए, वह तो गोया एक बुत है, बहुत से बुत तोड़ने में कामयाब हो गए और एक बुत नहीं तोड़ पाए, मजबूरन वो अब तक है, निगाहों में खटक रहा है। ऐसे मुसलमान अब अफसोस है कि उन्हें सलफी कहा जाता है या अहले हदीस कहा जाता है, इस तरह के कुछ अलकाब उनको हैं, हाँ से
सब ऐसे नहीं है, सारे सलफी ऐसे नहीं है, सारे अहले हदीस ऐसे नहीं है, कुछ है जो मक्के को मदीने से अफजल समझते हैं। मक्के की फजीलत है मगर आप पत्थर की इमारत को मुस्तफा पे फजीलत देते हैं। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे याद है अच्छी तरह से कि मद्रास में एक मरतबा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास था और वहाँ पर उस वक्त के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और अमीर शरीयत मरहूम वफूर मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब बहुत जलीलुल क़द्र आलिम थे वो तशरीफ़ फरमा थे। मैंने उनसे पूछा कि सीरत हलबिया में ये लिखा हुआ है आपका क्या ख्याल है, कहा मैं इसे तस्लीम करता हूँ, मैं इसे मानता हूँ। तो मुसलमानों में बहुत से उलमा ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि वो मकाम वो जगह जहाँ रसूल दफन है वो काबे से अफजल है। तो रसूल का जिस मुबारक जहाँ दफन है वो तो काबे से अफजल है, खुद रसूल और जब रसूल अफजल है तो नफ्स रसूल पढ़िए मोहम्मद अली 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 है काबा 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 है अली अली। तो बात वहां तक पहुंची थी कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तो खाने काबा में पैदा हुए, रसूल कहाँ पैदा हुए? तारीखें बताती हैं शेबे अबी तालिब में, शेबे अभी तालिब में, कुछ कहते हैं खाने या अबू तालिब में, कुछ कहते हैं खाने या अबू तालिब में, रसूल खाने या अबू तालिब में बता, परवरदिगार परवरदिगार तू ही बता, वसी को काबे में पैदा किया और नबी को खाने अबू तालिब में, राज क्या है? तारीख में आप तलाश करें तो जवाब इसके अलावा और कोई ना मिलेगा कि उस वक्त मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत के लिए परवरदिगार की मशीयत तलाश कर रही थी वो जगह जिस जगह न कोई बुत हो न कोई बुत परस, वो बस एक जगह थी, वो कौन सी जगह थी? शेख है अभी तालिब या खान है अबू तालिब, वहां हुजूर पैदा हुए। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम की विलादत खाने काबा में हुई तो खाने काबा का शरफ बढ़ गया। कह लीजिए मुझे गाली, क्या मुश्किल है, खाने काबा का शरफ बढ़ गया, खाने काबा कयामत तक के लिए क़िबला बन गया।
क्यों बना? कुरान से पूछिए, कुरान से पूछिए। मैं कई बरस पहले ये बात कराची में पढ़ चुका हूँ, लेकिन इस वक्त बेख्तियार याद आ रही है, तो तज़क्कुर और याद दहानी के तौर पर। ये तयशुदा है, मुसलमान इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकते कि नमाज पहले किस तरफ रुख करके पढ़ते थे, काबे की तरफ, काबे की तरफ नहीं, बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा की तरफ। मदीने आने के बाद मस्जिद क़िबलतैन कहाँ है? मदीने में है ना। सारे आसार मिटा दिए मगर अल्लाह जिसको बाकी रखना चाहता है। मस्जिद क़िबलतैन शायद इसीलिए बाकी है, कयामत तक मुसलमान सोचता रहे पहले उधर रुख क्यों था फिर इधर क्यों हुआ। खुदा के फैसले बदलते क्यों हैं आखिर? खुदा के इल्म में कोई कमी नहीं आए। खुदा हमें और आपको आजमाने के लिए फैसले बदलता है ताकि देखे ये बंदा इताअत शियार है या नफ्स परस्त। बंदे पर नफ्स परस्त है, रस्म परस्त है, आदत परस्त है, रिवायत परस्त है या हक परस्त है, हुक्म परस्त है, इताअत शियार है। कुरान मजीद में दूसरा पारा है, सयकूलु सुफहा, पढ़ लीजिए उठाकर। सुफहा सयकूलु सुफहा मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। ये क्या हो गया, क्यों इन्होंने, किस चीज ने इनको उस रुख उस क़िबले की तरफ से मोड़ दिया? जवाब खुद कुरान मजीद की आयत पढ़िए, ये फकरा बीच से, कद नरा तकल्लुब वजहक फिस समा فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا। कुरान की आयत है। ए रसूल, ए मेरे हबीब, ए मेरे नबी, ए मेरे मोहम्मद, ए मेरे अहमद, ए मेरे मुस्तफा, कद नरा, हम देख रहे हैं कि तुम बार बार आसमान की तरफ देख रहे हो। क्या इश्क का मर्तबा है, क्या नाज़ बंदगी मुस्तफ़ा है, क्या कदरदानी बंदगी मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा कुछ कह नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, कोई दुआ नहीं है, कुछ कह भी नहीं रहे, बस सर उठा के देख रहे हैं। खुदा की मैं महसूस मिसाल दे दूंगी, जैसे यहाँ पर कोई मेरा मिजाज शनास हो और यहाँ मिंबर के पास पानी ना रखा हो और मैं तकरीर कर रहा हूँ और बस एक मरतबा देख लूँ और वो समझ जाए कि अब इन्हें पानी की ज़रूरत है, तो बग़ैर कहे हुए पानी ला के यहाँ रख दें। ये वही करेगा जिसे मुझसे मोहब्बत होगी, जो मेरा मिजाज शनास होगा, जो मेरा कदरदान होगा। अगर दिल में कदरदानी नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगी, मिजाज शनासी नहीं होगी, तो सिर्फ अबरू के इशारे पे काम नहीं हो सकता। आयत है, कोई शेर नहीं है, ये किसी कसीदे की बैत नहीं है, कुरान मजीद की आयत है। कद नरा तकल्लुब वजहका, तकल्लुब वजहका फिस समा, हम देख रहे हैं कि आप आसमान की तरफ रुख उठा के देख रहे हैं, कोई कहे कुछ नहीं रहे, कोई दुआ नहीं आई, और
गोया अब यहाँ पर पोशीदा ये फिक्रा कि हम समझ रहे हैं आप जो चाहते हैं। आगे क्या है, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها। बस अब हम आपको ऐसे क़िबले की तरफ रुख करने का हुक्म दे देंगे जिससे आप राजी हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे। मुसलमान इस एक आयत को समझ ले तो मकाम मुस्तफा समझ में आ जाए। पहले भी अर्ज कर चुका हूं, मुसलमान कलिमा पढ़ता है खुदा की रजा के लिए, नमाज पढ़ता है खुदा की रजा के लिए, जिहाद करता है खुदा की रजा के लिए, हज करता है खुदा की रजा के लिए, क़िबले की तरफ रुख करता है खुदा की रजा के लिए। खुदा क़िबला मुअय्यन करता है मुस्तफा की रजा। अब हम तुम्हारा रुख उधर मोड़ देंगे कि तुम राजी हो जाओ। आदम ता खातम, पूरी कायनात, तमाम मुरसलीन, अंबिया, औलिया, मलाइका, सुलहा, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सब रिजाए हक के तलबगार हैं, सब अल्लाह की रजा चाहते हैं। जो कुछ करते हैं बखातिरे रजाए खुदा। और इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत है नमाज। शक है किसी को? नमाज कुफ्र ईमान के दरमियान खत फासिल है। नमाज खैमे दीन का सुतून है, अमूद दीन है नमाज। सबसे बड़ी इबादत है नमाज। कलमे के बाद सबसे बड़ी हकीकत है नमाज। और नमाज खाने काबा की तरफ रुख करके पढ़ी जाए, क़िबले को, खाने काबा को क़िबला करार दिया जाए। ये क़िबला किसने करार दिया? खुदा ने। और किस लिए करार दिया? ताकि मोहम्मद राजी हो जाए। ये है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना कोई तारीख और ना कोई रिवायत आयत। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आयत कोट कर रहा हूँ, तर्जमा कर रहा हूँ। इसका कोई और तर्जमा हो नहीं सकता। तरवाहा, तरवाहा यानी तुम राजी हो जाओगे उससे। अगर परवरदिगार को अपनी रजा मंजूर होती तो फरमाता अरवाहा या नरवाहा, हम राजी हो जाएंगे, मैं राजी हो जाऊंगा। नहीं, तरवाहा, तुम राजी हो जाओगे। बहुत वाजे है ना, कोई भान तो नहीं। अब जब आयत ने यह बता दिया कि क़िबले का तायुन हुआ मुस्तफा की रजा की खातिर, आरजू मोहम्मद, ख्वाहिश मुस्तफा ये थी कि खाने काबा क़िबला हो जाए। मैं पूछता हूँ, खाने काबा से कौन सी याद वाबस्ता थी मोहम्मद की? जहाँ सदियों तक बुत रखे रहे हों, जिस घर के सामने पैगंबर को अजियतें दी गई हों, पैगंबर को नमाज न पढ़ने दी जाती हो, पैगंबर की पुश्त मुबारक पर गुस्ताखियां की जाती हों, उस खाने काबा के लिए मुस्तफा चाहते हैं कि ये क़िबला बन जाए। ये आरजू है दिल मुस्तफा में, जो लबों तक आने से पहले मशीयत ने पूरी कर दी। ये तस्वीर है मसले की कुरान मजीद में। अब जाहिर है मुझ जैसा कासिर तो इसके अलावा कुछ नहीं समझ सकता कि सबसे बड़ी याद
सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी मसर्रत, सबसे बड़ी अल्लाह की अता जो काबे से मोहम्मद को मिली, सब कुछ मोहम्मद से मिला काबे को, काबे से एक चीज मोहम्मद को मिली, काबे को इज्जत मिली मोहम्मद से, काबे को तहारत मिली मोहम्मद से, काबे को अजमत मिली मोहम्मद से, काबे को सब कुछ मिला कयामत तक मोहम्मद से, मोहम्मद को अगर काबे से मिला तो वो है अली। इससे काबे का शरफ दोबाला नहीं हुआ, ये तो मुहावरा है, दोबाला यानी दो बराबर। ये जबानें कुंद हो जाती हैं, दुनिया की किसी जबान में अल्फाज नहीं है कि जिससे फजाइल अली बयान किए जा सके। इसीलिए मैंने आज उन्वान में कोई मुकम्मल लफ्ज नहीं पढ़ा, सिर्फ हुरूफ पढ़े हैं, अलिफ लाम मीम। बात यहां तक आ गई, अली जिस वक्त पैगंबर खाने काबा में बुतों को गिरा रहे थे, बात मुकम्मल कर दूं ना, अली साथ साथ थे और किसी का नाम नुमाया तौर पे मिलता नहीं है। आप मुद्दतों तक किसी को परस्तिश कर चुके हों तो अपने हाथों से उसे तोड़ते हुए कैसा लगेगा। ये अली थे, करम अल्लाह तआला वजहा, अली करम अल्लाह वजहा। क्यों है करम अल्लाह वजहा, हमसे न पूछिए। आज इस वक्त मदीने मुनव्वरा में मस्जिद कुबा के जो इमाम हैं, शेख सालेह मगामिसी, उनकी ये तकरीर यूट्यूब पर मौजूद है। उन्होंने कहा है कि अली करमल्लाहु वजहहु है। क्यों? ये इसलिए कहा जाता है कि अली वो हैं जिन्होंने कभी किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया। उसके दलाइल दिए हैं उन्होंने, और जाहिर है कि इस वक्त मस्जिद कुबा में जो इमाम होंगे तो वो हमारे मसलक के तो होंगे नहीं हैं? मेरा ख्याल है बरेलवी मसलक के भी नहीं होंगे और देवबंदी मसलक के भी नहीं होंगे। बारह वो इस वक्त उलमाए अहले हदीस में सलफी उलमा में बड़ा मर्तबा रखते, मगर मैं उन्हें इसलिए पसंद करता हूँ कि मैंने जब भी उनकी ज़बान से हज़रत अली के फ़ज़ाइल सुने हैं तो उनके चेहरे और उनकी आंखों में एक खास चमक देखी है, और आका हुसैन के जिक्र पर उनकी आंखों में आंसू भी देखा है। ये बहुत कीमती चीज है। बहरहाल अब मैं मुकम्मल कर लूं गुफ्तगू कि फतह मक्का के मौके पर जब खाने काबा पाक हो गया बुतों से, तो खाने काबा की छत पर वो बुत था जिसका नाम था होबल, और उसके अलावा भी कुछ बुत थे। जाहिर खाने काबा की बुलंदी, हुजूर ने कहा अली, इन्हें कौन तोड़ेगा? हजरत अली ने फरमाया मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे ऊपर सवाल। पहले रसूल ने कहा कि अली तुम मेरे कंधों पे चढ़ जाओ, तो अली ने कहा ये मुमकिन नहीं होगा आका, आप मेरे कंधों पे चढ़ जाओ।
हुजूर बैठ गए, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बैठ गए और हुजूर ने जैसे ही कदम रखा, अली का या रसूलल्लाह आपका बारे रिसालत उठ नहीं सकता। ये सब तमाम तारीखों में है, ये कोई मुबालिगा थोड़ी है, ये रिवायतें हैं। ठहर के सोचिए, तन्हा ये एक वाकया, ये जाहिरी तौर पर एक तारीखी वाकया है, सवाल कायम करूं, हुजूर नापे पे बैठते थे, नाका चलता था या नहीं, हुजूर घोड़े पे बैठते थे, घोड़ा बार उठाता था या नहीं, हुजूर खच्चर पे बैठते थे, बार उठाता था या नहीं, हुजूर बुराक पे सवार हुए, बार उठाया या नहीं, वहां किसी ने इनकार नहीं किया, यहाँ अली इनकार क्यों कर रहे हैं? अगर ये एक वाकया ना होता तो तारीख में ये बात जाहिर ना होती कि पैगंबर का बारे रिसालत कितना संगीन था। और ये के बारे रिसालत कौन समझ सकता है, कौन नहीं समझ सकता, खुदा की कसम हैवान बारे रिसालत नहीं समझ सकते। मुर्तज़ा रोशन है, ये इश्क ये मोहब्बत नेमत इलाही है, जिसे मिल गई मिल गई, और उसी को मिलती है जहां हसब व नसब पाक व पाकीज़ा। दुनिया के बद नसबों से अली की मोहब्बत की उम्मीद भी ना करें, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। ये अली है, कोई और नहीं। दो तीन फकरे और अर्ज कर लेने दीजिए। अली बैठे, पैगंबर ने कदम में मुबारक रखा और अली ने कहा नहीं आका, हम आपका बार नहीं उठा सकते। मुस्कुराए, फिर खुद बैठे और
क्या मंजर है। अब अली बच्चे नहीं है, क्या इस घर की अदाएं हैं, क्या इन शख्सियतों के अंदाज हैं। जैसे आप छोटे बच्चे को उठाते हैं, अली की पिंडलियां यूं पकड़े, यूं उठाया और उठा के यूं अपने कंधों पे खड़ा कर दिया। क्या अंदाज, यानी कह सकते हैं अली ने इंतहाए अदब का तकाजा किया, अली ने खुद से उठा के कदम नहीं रखा। कयामत तक अली खड़े रहते लेकिन पैगंबर की पुश्त पे कदम नहीं रख सकते थे। ये अदब है, ये अदब है। खुद पिंडलियां यूं पकड़ के उठे और ऐसे बैठा लिया और अली खड़े हो गए, अब पैगंबर भी खड़े हो गए। बस आज भी जाके जरा काबे की बुलंदी देखिए, दो आदमी एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं छत तक पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच सकते ना। ये हुआ क्या, ये सब वो बातें जो अल्फाज में काबिले बयान नहीं है, अगर चहर किताब में लिखी हुई। खड़े हुए और अब पूछते हैं, या अली कैसा महसूस कर रहा है? क्या खुदा की कसम, मैं अपने दोनों हाथों से आसमान को छू सकता हूँ। गोया हम बा मुहावरा तर्जमा करें तो गोया अली फरमा रहे थे कि अब तो हम आसमान के तारे तोड़ सकते हैं। मैं अली छत पे गए और बुतों को गिराया। एक तारीख में अल्फाज हैं, अल्फाज जिसमें थोड़ी बहुत मुअर्रखीन ने और राबियों ने कोशिश की है मंजर निगारी की, कि अली जोश में, वलवले में, खुशी में, मसरत में, निशात ईमानी में बुतों को इस तरह हिला रहे थे कि काबे की दीवार हिल रही थी, और उसके बाद उठा के बुतों को इस तरह फेंकते थे जमीन पर कि बुत टुकड़े टुकड़े हो जाते, और उसके बाद अली को रसूल ने उतारा नहीं, अली खुद उतरे। और जब जमीन पर आए तो मुस्कुरा रहे थे खड़े होकर। रसूल ने फिर पूछा, अली मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा, इतनी बुलंदी से उतरा मगर मुझे कोई चोट नहीं लगी। कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हें खाने काबा पर ऊपर चढ़ाया मैंने था, उतारा जिब्राइल ने है। क्या हजरत अली को नहीं मालूम था उतारा किसने? अली जिब्रील को नहीं पहचानते थे या जिब्रील अली को नहीं पहचानते? ये मुमकिन है कि उस्ताद शागिर्द को न पहचाने। इस दुनिया के सारे मुकस्सिर हमें गाली कहने लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मलाइका मुकर्रबीन शागिर्दान मासूमीन है, इन्होंने तस्बीह की तो उन्होंने तस्बीह करना सीखा, इन्होंने कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो उन्होंने तौहीद सीखी। ये कोई गुलू नहीं है, कोई गुलू नहीं। फिर वही अर्ज करूंगा कि अगर अक्ल अक्ल कुरानी हो और परवान चढ़ी हो मकतब मुस्तफा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस बात से बात निकलती चली जा रही है, यहाँ तक पहुँच गई, वक्त तमाम हुआ चाहता है, बल्कि तमाम हो चुका है, वक्त तमाम हो चुका है। अली अलैहिस्सलाम के साथ जिब्राइल और मिकाइल का साथ
हर वक्त का साथ था, लेकिन खास खास मौके वो थे जो तारीख में रिवायतों की जबानी दर्ज हो गए हैं। अभी मेरे बेटे ने मुतालआ करके मुझे ये रिवायत सुनाई मिंबर पर आते आते, अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने। ज़ाहिर है किताबें बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन अब जब दूसरों की ज़बान से सुनता हूँ, बेटे की ज़बान से सुनता हूँ, तो फिर खुशी होती है कि शब हिजरत जब बिस्तर मुस्तफ़ा पे अली लेटे थे तो बज़ाहिर तन्हा थे, बज़ाहिर तन्हा थे, लेकिन हकीकत यह है कि अली की हिफाजत के लिए तो वो लश्कर था जो बाद में अली की कयादत में बदर में लड़ा, फरिश्तों का लश्कर था, मलाइका का लश्कर था, और जिब्राइल सिरहाने बैठे हुए थे, मीकाईल अली के कदमों में बैठे, मीकाईल अली के कदमों में बैठे। ये है अली, फिर दोहराऊं, अली वो लफ्ज गिरामी है जिसका तर्जुमा मुमकिन नहीं है। अली ये लफ्ज है जिसका तर्जुमा मुमकिन नहीं है। जब लफ्ज का इस्म मुबारक का तर्जुमा मुमकिन ना होगा तो अली के औसाफ कमालात मुअजजात बुलंदियां कैसे मुमकिन है कि कोई बयान कर सके। बस एक फकरे में गुफ्तगू समेट दूं, खुद तारीख इस्लाम अगर जो दूसरों ने लिखी है, औरों ने जो लिखी है, अपनी ही लिखी हुई खुद ही पढ़ने तवज्जो, तो हमें कुछ कहने की जरूरत ना रहे। तारीख कायनात तो अलग रही, ये कायनात कायनात कहलाने की मुस्तहिक इसलिए है कि ये हजरात यहाँ मौजूद हैं, मुस्तफा मुर्तजा, वरना कायनात क्या थी, मुस्तफा तायुन अव्वल, और उस तायुन मुस्तफा तजल्ली अव्वल तायुन अव्वल, और मुस्तफा के जरिए से जो तजल्लियात हिफाजा हो रही थी, उन तजल्लियात का अगर कोई मुहाफिज था तो वो ज़ात आली। ये बात तो बहुत ऐसी दकीक है कि इसको समझने और समझाने के लिए न जाने कितने दर्स चाहिए। इल्म इरफान नज़री और इल्म इरफान अमली और कश्फ शुहूद के कितने मरहले तय करने होंगे, लेकिन अगर ज़ाहरी तारीख हुजूर की आगाज तारीख हुजूर की तारीख का आगाज और हुजूर की तारीख का इख्तिताम, अली जब दुनिया में आए पहले किसने इस्तकबाल किया, रसूल ने, रसूल ने जब नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले किसने तस्दीक की, अली ने, रसूल जब दुनिया से गए तो आखिरी फर्द जो रसूल से जुदा हुआ कौन था, अली। ये क्या मामूली बातें, ये क्या हमने गढ़ी हैं, हमने लिखी हैं। दावत दुल आशीरा से लेकर और गदीर तक, और गदीर से लेकर वफा के पैगंबर तक, कौन सा मोड़ है, कौन सा मरहला है जहां तारीख इस्लाम के साथ साथ अली मौजूद नहीं है। रसूल बानी है इस्लाम है और अली रोजे अव्वल से मुहाफिज इस्लाम, और ये मुसलमान कयाम कयामत तक रुसवार रहेगा इसलिए कि मुहाफिज इस्लाम से रूगरदा है।
हर तरफ से सवालात आते हैं, टेलीफोन आते हैं, खुदूत आते हैं, ईमेलें आती हैं, पूछा जाता है, लोग राइटअप्स लिख रहे हैं, अखबारात पे लिख रहे हैं, सारी दुनिया में मुसलमान जलील क्यों हो रहे हैं, रुसवा क्यों हो रहे हैं, जलील क्यों हो रहे हैं, रुसवा क्यों हो रहे हैं, जलील क्यों हो रहे हैं, रुसवा क्यों हो रहे हैं, मुसलमान दाइश क्यों बने जा रहे हैं, मुसलमान काफिर क्यों बने जा रहे हैं, मुसलमान मुशरिक क्यों बने जा रहे हैं। मैं बताऊं, सिर्फ एक जवाब है, रसूल ने मुसलमानों को जिसके सुपुर्द किया था उसके हवाले रहते तो मुसलमान रहते। बस अब ताकत नहीं है, ताकत नहीं है, इसलिए हुजूर के एक फकरे पर गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ दुआ के साथ। हुजूर के सहाबा में से एक जलीलुल कदर मोमिन बावफा सहाबी जनाब हुज़ैफ़ा है। हज़रत हुज़ैफ़ा से अल्लामा सदूक ने रिवायत नकल फरमाई और दूसरे मुहद्दिसीन ने, जलीलुल कदर मुहद्दिसीन ने नकल फरमाई है। सदूक ने नकल किया कि हुज़ैफ़ा से रसूलुल्लाह ने फरमाया, या हुज़ैफ़ा, ऐ हुज़ैफ़ा, मेरे बाद अली इब्न अबी तालिब तुम सब पर हुज्जत खुदा हैं। अली हुज्जतुल्लाह बादी, और उसके बाद जुमला खत्म नहीं हुआ, फरमाए अल कुफ्र बिही कुफ्र बिल्लाह व शिर्क बिही शिर्क बिल्लाह व शक बिही शक बिल्लाह व इल्हाद बिही इल्हाद बिल्लाह। अली तुम सब पर मेरे बाद अल्लाह की हुज्जत है, अली का कुफ्र खुदा का कुफ्र है, अली में शिर्क खुदा में शिर्क है, अली में शक खुदा में शक है, अली का इल्हाद खुदा का इल्हाद। किसका इरशाद है? अली के कुफर के क्या मानी है, अली के में शिर्क के क्या मानी है, अली में शक के क्या मानी है, अली से इल्हाद के क्या मानी है। इंशाअल्लाह फिर कभी परवरदिगार हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए कि हम हकीकत तौहीद को मोहम्मद और अली से हासिल करें। परवरदिगार हमें और आपको सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम दामन ख़त्म नबूवत से वाबस्ता रहें बवासिते अली। परवरदिगार हमें और आपको सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम कयाम कयामत तक खुद और हमारी नस्लें सिरात मुस्तकीम विलायत अली इब्न अबी तालिब पे गामज़न रहे। वाखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।